नमस्कार वेलकम टू द प्रोग्राम डिस्कवर योरसेल्फ दोस्तों दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं और कई कई तरीके से अपना काम करते हैं कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं ईजी गो ईजी गोइंग एटीट्यूड के साथ मतलब ठीक है जो काम जैसा हो गया जिस तरह से हो गया कोई बात नहीं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने काम में चाहते हैं परफेक्शन क्लॉक वर्क प्रोसेशन मतलब मान लीजिए अगर उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कोई शोपी सजाया है तो वो अपनी जगह से आधा सेंटीमीटर इधर या आधा सेंटीमीटर उधर नहीं होना चाहिए और वो अपने काम में चाहते हैं हंड्रेड परसेंट रिजल्ट जहाँ दोस्तों ऐसे लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट जो कि हर वक्त हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं और आज एनिग्राम की सीरीज में हम बात करेंगे टाइप वन पर्सनैलिटी परफेक्शनिस्ट के बारे में और इस पर हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के न्यूटन जो कि स्परिचुअल साइंटिस्ट हैं और पास लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और डॉक्टर न्यूटन के साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर लक्ष्मी भी पास्ट लाइफ रिगेशन थेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान मनु जो कि टाइप वन पर्सनैलिटी को बिलोंग करती हैं आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर न्यूटन परफेक्शन अच्छी बात है काम में परफेक्शन होना चाहिए yes. इसके अलावा किस तरह के लोग होते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं टाइप वन इन इज़ नोन एज परफेक्शनिस्टिक पर्सनालिटी Where uh, idealism, being more idealistic, right and wrongs, this is the main characteristic feature of uh, perfectionistic or perfect uh, personalities, type 1 personalities. Okay. Yeah. Principal characteristics of perfectionist, Dr. Lakshmi? Yeah, type 1 personality ka characteristics are that they are organized and uh, they want everything to be done in a very perfect way.

when they were uh, you know given all that uh, uh, responsibility to become an adult taking decisions choices and uh, they have to stand on their own legs they have to see the rights and wrongs

जब एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं उनके लाइफ में तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी सो उस समय से वो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और दे वांट टू मेक एवरीथिंग राइट राइट दे वांट टू मेक एवरीथिंग राइट जहाँ तक मनु आपने बताया दैट यू मैरिड वेरी, वेरी अर्ली ये तो रीज़न साफ़ दिखता है हमें मनु के केस में विद डैट कोई ऐसी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में हाँ माई हस्बेंड हम आगे भी बात करेंगे लेकिन हमने मनु के कुछ फैमिली और फ्रेंड से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि मनु के बिहेवियर के बारे में वो क्या सोचते हैं कैसे वो एनालाइज करते हैं मनु का नेचर ज़िम्मेदारी इनके ऊपर बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि इनकी जल्दी शादी हो गई थी तो एक काफ़ी समय तक ये अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं थी सारा रोल इनका होम मेकर और माँ का ही था पहली बार जब मैं मिली तो मैं इनसे काफ़ी आकर्षित हुई इनकी ऊपर की खूबसूरती से पर जैसे जैसे मैंने इनको जाना तो मैंने देखा कि अंदर की इनकी जो ख़ूबसूरती है वो बहुत ही बहुत ही अच्छी है और बहुत ही गिविंग पर्सन है अब तक तो वो होम मेकर वाला रोल मेन था एंड उसमें शी वॉज़ अ परफेक्शनिस्ट एंड इन्होंने अपने बच्चों को पूरा ध्यान दिया एंड कोशिश की कि उनको कभी कोई दिक्कत ना हो और वो उनकी सारी ज़रूरतों में रहें साथ में बट आई थिंक नाउ शी इज़ डिवेलपिंग हर पर्सनैलिटी एंड उनकी जो अच्छाई है वो सामने आ भी रही है और आई थिंक उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ आजकल बहुत हो रहा है इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ uh, लाइफ की बखूबी निभाई और uh, अपना जीवन अभी तक इन्होंने बच्चों के लिए ही बच्चों और परिवार के लिए व्यतीत कर दिया था और बच्चे भी इनके बहुत ज़्यादा करीब uh, हैं इनसे और इनको बहुत मानते हैं बहुत प्यार करते हैं तो क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी माँ ने उनके लिए क्या करा हर जगह जाने के पहले सोचना बहुत और लाइक काफ़ी कुछ कि सब कुछ सही होना चाहिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए एंड पीछे घर ठीक से चलना चाहिए घर वालों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग करने वाली है समय को एकदम अच्छी तरह से बांट के उसको ढंग से वो करना कि भाई इतने बजे यहाँ करना है या जो भी हर चीज़ की भी जो प्लानिंग वैसे भी दिन भर की है दिनचर्या भी है इनकी नॉर्मल दिनचर्या में भी बड़ी प्लानिंग करती हैं ये जो इनके इंटरेस्ट हैं लाइक बुक्स और पेंटिंग पोइट्री इस सब में इनका ज़्यादा ध्यान है एंड नाउ आई थिंक ये अपनी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी इनहेंस कर कर रही हैं एंड शी इज़ Right, जैसा कि हमने देखा मनु ने बताया कि कहीं ना कहीं वेरी परफेक्ट हर काम उन्हें सही तरीके से चाहिए क्या सही है क्या गलत है mm -hmm. which, which very, very yes. लेकिन हम बात कर रहे थे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के रोल के बारे में mm -hmm. मैं ये जानना चाहूँगी कि वो जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है क्या वो भी परफेक्शनिस्ट होती है being a more a dominating personality uh, has given certain things to her mm. it molded her own personality here she uh, started helping her own self mm. you means? know it has uh, made her more uh, to stand on her own feet and also to uh, set her own standards her own rules her own pros and cons her own rights and wrongs that's how, how our old personality started developing. Mm -hmm. So, uh, do you find, uh, madam, about uh, anything about right and wrongs, or helping yourself at a very young age, yeah, being became, more of adultish? I became very independent. Independent, I mean, grudgingly, yes. mm -hmm. yes, of course. Grudgingly, and it is, yes. You know, you are, forced to or you are expect, it's yes. expected from you all the time, then you do it. You have no choice. Yeah. You do it. You no yeah. choice. And Dr. then Dr. you Lakshmi, become very independent. Dr. Lakshmi, I would a question. Like Manu was saying, you have no choice. You're forced to do it. तो इसका मतलब वो जो भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती mm -hmm. है परफेक्शनिस्ट की लाइफ में उसे ये प्रूफ करने के लिए दैट यू कैन नॉट मतलब आप मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकते mm -hmm. एक पर्टिकुलर चीज के लिए कि मैंने गलत किया है सही किया yeah. उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अपने आप को सही uh, प्रूफ करने के लिए वैलिडेशन के लिए परफेक्शनस वो चीज़ करने लगता है यस एंड आई फील आप आप और आप आपके हस्बैंड के बीच में बहुत एज गैप था या सी सो इट क्लियरली शोज दैट द दसबेंड वॉज लिटी के लोग होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो जो भी करें सही तरीके से करें परफेक्शनिस्ट यानी कि टाइप वन पर्सनैलिटी के क्या कोर बिलीव होते हैं इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन एक प्रश्न का